किसी गांव में सुधा नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। सुधा की माँ कमला सेठानी चंद्रमुखी के यहाँ जूठे बर्तन साफ किया करती थी। वहीं सुधा पास ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन स्कूल जाते समय सुधा अपनी माँ से बोली, माँ मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, नए जूते दिला दो ना। तू चिंता मत कर बिटिया, मैं आज ही सेठानी से कुछ पैसे मांगती हूँ। अच्छा अब तुम जाओ, स्कूल का समय हो गया है। सुधा फटे हुए जूते पहनकर स्कूल जाने के लिए निकल गई। वहीं विमला भी सेठानी चंद्रमुखी के घर जूते बर्तन साफ करने जा पहुँची। काम खत्म कर कमला सेठानी से बोली, सेठानी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात है। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे अपनी बेटी के लिए नए जूते लाने हैं। अभी कुछ दिन पहले तो तुझे पगार दी थी, अब इतनी जल्दी दोबारा से पैसे मांग रही है। नहीं है मेरे पास पैसे। पर सेठानी मेरी बिटिया के जूते फट गए हैं, बेचारी ठंड में स्कूल क्या पहन कर जाएगी। तो मैं क्या करूं? इन सब का ठेका मैंने ले रखा है क्या? चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सेठानी की कड़वी बातें सुन कमला दुखी मन घर लौट आई। सुधा स्कूल से आती ही होगी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी, उसके लिए नए जूते कहाँ से ला कर दूं? ये सोचकर कमला सोच में पड़ गई। वहीं दूसरी ओर सुधा स्कूल से एक सुनसान रास्ते से घर लौट रही थी, तभी उसे एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर जूते पड़े दिखाई दिए। अरे वाह कितने सुंदर जूते हैं, पर ये हैं किसके? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, लगता है ये मेरे लिए भगवान जी देकर गए हैं। एक बार पहन कर देखती हूँ, अगर मेरे पैरों में फिट आ गए तो माँ को मेरे लिए नए जूते खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी बेचारी मेरे लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हैं। सुधा ने जैसे ही वो जूते पहने वो खुशी से झूम उठी। अरे ये तो मेरे पैरों में बिल्कुल फिट आ गए, मजा ही आ गया। अब मुझे पैरों में ठंड नहीं लगेगी। मेरे पैरों में कितने सुंदर लग रहे हैं जूते, इन्हें पहनकर मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। मैं भी अपनी सहेली खुशबू की तरह मेला घूमने शहर जाऊंगी। सुना है वहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। सुधा ने इतना कहा ही था कि तभी उसने अपने आप को मेले में पाया। अरे ये क्या, मैं मेले में कैसे आ गई? मैंने तो बस कहा था कि मैं मेला घूमने जाऊंगी, पर ये कैसे हुआ? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे घर जाना है, माँ परेशान हो रही होंगी। पलक झपकते ही सुधा ने अपने आप को घर के आंगन में पाया। ये सब देख सुधा को बड़ी हैरानी हुई। अरे मैं घर कैसे आ गई? ये सब हुआ कैसे? तभी उसकी नजर पैरों में पहने हुए जूते पर पड़ी। लगता है ये सब इन जूतों की वजह से हो रहा है, पर ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक बार इन जूतों को उतार कर कुछ बोल कर देखती हूँ क्या होता है। सुधा ने जूते उतारे, फिर वो बोली, मुझे मेला घूमने शहर जाना है। अरे ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं जूते पहनकर बोलती हूँ, मुझे मेला घूमने जाना है। सुधा ने जूते पहनकर जैसे ही बोला वो पलक झपकते ही वापस मेले में पहुंच गई। ये देख सुधा हैरान होते हुए बोली, लगता है ये जूते जादुई हैं, ये तो कमाल हो गया। घर पर जाकर माँ को बताती हूँ, जादुई जूते, मुझे घर जाना है। कुछ ही पल में सुधा ने वापस अपने आप को घर के आंगन में पाया। अरे वाह ये जादुई जूते तो बड़े कमाल के हैं, माँ को जाकर बताती हूँ। माँ कहाँ हो तुम, देखो मैं आ गई। ये कहते हुए सुधा घर में दाखिल हुई। सुधा तुम आ गई, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले देखो मैं क्या लाई हूँ, सुंदर है ना जूते? जूते तो सुंदर है बिटिया, पर ये है किसके? पता नहीं माँ, मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले तो मैं ले आई, और पता है माँ ये जूते जादुई हैं। जादुई जूते? हाँ माँ मैं अभी आपको जूते का जादू दिखाती हूँ, मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान खाने का मन कर रहा है। जादुई जूते ने फिर से अपना कमाल दिखाया और स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली प्रकट हो गई। ये देख सुधा की माँ कमला हैरानी से बोली, बिटिया ये सब क्या है, इतने सारे पकवान अचानक कहाँ से आ गए? ये सब जादुई जूते का कमाल है माँ, अब तुम्हें सेठानी के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं, हम जो चाहे जादुई जूते से मांग सकते हैं। अब जिस चीज की भी सुधा को जरूरत होती वो जादुई जूते से मांग लिया करती। धीरे धीरे उनके घर के हालात बिल्कुल बदल गए, अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठानी चंद्रमुखी को जब ये बात पता चली तो वो ईर्ष्या से जलते हुए बोली, कल तक जो मेरे घर में झूठे बर्तन साफ करती थी इतनी जल्दी रातों रात अमीर कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सेठानी चंद्रमुखी सच्चाई जानने के लिए कमला के घर जा पहुंची।
कमला, अरे ओ कमला, कहाँ हो? अरे सेठानी, आप यहाँ आइए, अंदर आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो बस देखने आई थी कि तू इतने जल्दी अमीर कैसे हो गई। अब तो तूने काम पर भी आना छोड़ दिया है, क्या बात है? सेठानी, अब भगवान का दिया सब कुछ है। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? सेठानी, सब भगवान की कृपा है। लगता है कमबख्त कमला सच्चाई नहीं बताने वाली, मुझे खुद ही पता लगाना होगा। वैसे तुम्हारी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो बस स्कूल से आती ही होगी। इसकी लड़की से ही पता लगा लूंगी। कुछ समय बाद सुधा गुनगुनाते हुए घर पहुंची। सेठानी, ये मेरी बेटी सुधा है। बिटिया, ये सेठानी है, इनके यहाँ मैं काम करती थी। ओह, याद आया, गैस पर चावल चढ़ाकर आई हूँ, अभी आई। ये कहते हुए कमला रसोई में चली गई। सुधा बिटिया, क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तो काम पर आना ही छोड़ दिया, कहीं तुम्हारी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस भगवान की कृपा है। मैं आपके लिए पानी लाऊं? बस बस, रहने दे, मुझे नहीं पीना तेरे हाथ का पानी। हाँ, ये कहते हुए सेठानी भुनभुनाते हुए चली तो गई, लेकिन खिड़की के पास छुपकर खड़ी हो गई। सच्चाई का पता तो मैं लगा कर रहूंगी, देखती हूँ दोनों माँ बेटी क्या बातें करती हैं। चंद्रमुखी कान लगाकर खिड़की के पास खड़ी रही। तभी सुधा अपनी माँ कमला से बोली, माँ खाना बन गया? हाँ बिटिया। अरे सेठानी कहाँ गई? माँ वो तो चली गई। ओह अच्छा, तुम हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्यों ना हम जादुई जूते की मदद से घर के बाहर एक किराने की दुकान खोल लेते हैं, घर बैठे कमाई भी हो जाएगी। तुम सही कह रही हो बिटिया, मैं भी घर का काम खत्म कर अकेले बोर हो जाती हूँ। दुकान पर बैठने से समय भी कट जाएगा और दो पैसे भी बन जाएंगे। और हाँ, हमें जादुई जूते का गलत इस्तेमाल नहीं करना, जब जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करेंगे। तुम ठीक कहती हो माँ, भगवान ने हम पर कृपा दिखाई है, हम इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों माँ बेटी की सारी बात सेठानी चंद्रमुखी ने सुन ली। अच्छा, तो ये सब जादुई जूते का कमाल है, तभी दोनों माँ बेटी हवा में उड़ रही हैं। मुझे कैसे भी करके जादुई जूते हासिल करने होंगे, पर कैसे? बंगले पर पहुंचकर सेठानी चंद्रमुखी जादुई जूते हासिल करने की तरकीब सोचने लगी। फिर दो दिन बाद मिठाई का डब्बा लेकर वो कमला के घर गई। अरे कोई घर पर है? अरे सेठानी, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? हाँ कमला, ये लो मिठाई खाओ, आज मेरी बेटी तारा का जन्मदिन है। आपकी बिटिया को किसी की नजर ना लगे, भगवान तारा की झूले खुशियों से भर दे। अच्छा ठीक है, तुम मिठाई तो खाओ और बाकी मिठाई अपनी बेटी को दे देना। कमला ने खुश होते हुए मिठाई खाई। उस समय सुधा घर पर नहीं थी, वो स्कूल गई हुई थी। मिठाई खाती ही कमला बेहोश हो गई। चलो अच्छा है, बेहोशी की दवाई वाली मिठाई खाकर कमला बेहोश हो गई। यही सही मौका है, इस समय घर पर कोई नहीं है, फटाफट से जादुई जूते हासिल कर लेती हूँ। सेठानी चंद्रमुखी कमरे में दाखिल हुई और जादुई जूते की तलाश करने लगी। तभी उसकी नजर अलमारी पर गई। उसने अलमारी खोला तो उसे वहाँ एक नहीं बल्कि तीन चार जोड़ी जूते दिखाई दिए। अरे अब इनमें से कौन सा जादुई जूता है, पता कैसे चलेगा? एक काम करती हूँ, सारे के सारे जूते ले जाती हूँ। सेठानी अलमारी में पड़े सारे जूते अपने घर ले गई और एक एक कर अपनी बेटी को पहनाकर देखने लगी। अरे माँ, आप मुझे जबरदस्ती ये सब जूते क्यों पहना रही हैं? मेरे पैरों पर तो फिट भी नहीं आ रही, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पहनना ये जूते। पहनने की कोशिश तो कर तारा बेटी, इनमें से एक जूता जादुई है। पर तारा के पैरों में एक भी जूता फिट नहीं आया। ये देख सेठानी को बहुत गुस्सा आया। अगर ये जूते मेरे किसी काम के नहीं तो कमला की भी किसी काम के नहीं आने दूंगी। ये कहकर सेठानी ने सारे के सारे जूते आग में जला दिए। वहीं दूसरी ओर सुधा जब स्कूल से घर लौटी तो माँ को बेहोश देख बोली, अरे माँ को क्या हो गया? माँ उठो माँ। ये कहते हुए सुधा परेशान हो उठी, लेकिन थोड़ी देर बाद कमला को होश आया। अरे बेटी, तुम कब आई और सेठानी कहाँ है? माँ तुम बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं माँ, तुम चलकर कमरे में आराम करो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सुधा माँ को लेकर कमरे में गई और आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद सुधा की नजर खुली अलमारी पर गई। माँ लगता है चोर को सभी जूते बड़े पसंद आए, वो सभी को चुरा कर ले गया।
शुक्र है जादुई जूता मैंने आज पहन रखा था, नहीं तो ये जूता भी चोरी हो जाता। बिटिया, मुझे लगता है किसी को जादुई जूते के बारे में पता चल गया होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं जादुई जूते को किसी गलत हाथ में कभी नहीं पड़ने दूंगी। शाम के समय गांव में भगदड़ मच गई। अरे क्या हुआ बहन, इतना शोरगुल कैसा? कमला, सेठानी के घर पर आग लग गई है और उसकी लड़की तारा घर के अंदर फंस गई है। आज तो तारा बिटिया का जन्मदिन था। हे भगवान, ये कैसा नर्क हो गया। क्या हुआ माँ? सुधा, चलो बेटी, हमें अभी सेठानी के घर चलना है, उनकी बेटी मुसीबत में है। दोनों माँ बेटी तुरंत सेठानी के घर जा पहुँची। सेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कोई मेरी बेटी को बचाओ, इस आग को बुझाओ, मेरी बेटी अंदर है। लेकिन घर के अंदर कौन जाएगा? जो भी जाएगा अपनी जान गवा बैठेगा। क्या कोई नहीं है इस गांव में जो मेरी बेटी की जान बचा सके? आज उसका जन्मदिन था और आज के दिन ये सब अनर्थ हो गया। तभी कमला बोल पड़ी, चिंता मत करो सेठानी, तारा बिटिया को कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी के पास जादुई जूते हैं, जिसकी मदद से आपकी बेटी की जान बच जाएगी। जादुई जूते? पर मैंने तो तुम्हारी अलमारी में रखे सभी जूते जला दिए थे। अच्छा, तो वो चोर आप थी। कोई बात नहीं, जादुई जूते मुझे घर के अंदर जाना है। इतना कहती ही सुधा गायब हो गई। जादुई जूता उसे उस जगह ले गया जहां तारा बेहोश पड़ी थी। सुधा ने तारा को संभाला और जादुई जूते की मदद से सुरक्षित बाहर ले आई। अपनी बेटी को सही सलामत देख सेठानी खुश होते हुए बोली, भगवान का शुक्र है तारा, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा धन्यवाद सुधा बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जलन के मारे तुम्हारे घर से सभी जूते चुरा कर उन्हें जला दिए, ये जानते हुए भी तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। ये कहते हुए सेठानी ने कमला और सुधा से माफी मांगी। सेठानी, हमारी बिटिया की जान बच गई, उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं। जादुई जूते, सेठानी के घर में लगी आग बुझाओ। इतना कहते ही सेठानी के घर में लगी आग भी बुझ गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब सुधा जादुई जूते से जरूरतमंद लोगों की मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। हरियाली परी की जादुई मेहंदी। विक्रमपुर गांव में सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी, और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीद कर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली सुहानी पर खूब हंसती है। अरे सुहानी, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखी ना, इसलिए उतना रंग नहीं आया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है। हाँ शीतल, मैंने भी बस मेहंदी लगाकर आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। सुहानी मेहंदी लगाकर पूरे एक दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तभी अपने शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु सुहानी थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोच कर सुहानी परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ रितु पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो रही है,
कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे देखना चाहिए। सुहानी आवाज़ का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़े ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे आपको इस तरह पेड़ से कौन बांध कर रखा है। ये सब बताने का अभी समय नहीं है, तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो, वो जादूगरनी आती ही होगी। वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ हाँ, मैं खोलती हूँ। सुहानी जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांध कर कौन रखा है और क्यों रखा है और आप कौन हो। मैं असल में हरियाली परी हूँ। अगर आप परी हैं तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी, तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हैं। ये लोगों की गलत फहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती। वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंत्रों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूँगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ। तो जल्दी करो सुहानी, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी, और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो सुहानी, तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वहाँ जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ये क्या, तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देती है। फिर सुहानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी। अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादूगरनी आज मुझे जान से मार डालती। कोई बात नहीं परी जी, ये तो बस मेरा फर्ज था। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुहानी, जाओ, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इतना कहकर परी उड़ जाती है। इधर सुहानी अपने मन में सोचती है, अरे परी तो चली गई, पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है, पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कितनी पागल हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है। अब बस दो दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में। उसके घर में जोरों शोरों से शादियों की तैयारियां चलने लगी। सुहानी अब भी उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मेहंदी ले लो मेहंदी। ये सुनकर सुहानी और उसकी माँ रितु बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, लगता है घर में शादी है, बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रचेगी। ले लो ना बहन जी, ज्यादा की नहीं है, बस 20 रुपए की है। माफ करना अम्मा, पर हम मेहंदी मंगा चुके हैं, अब हम इतनी सारी मेहंदी लेकर क्या करेंगे। एक की भी ले लो बहन जी, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। अम्मा मेरे हाथों पर तो मेहंदी रचती ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेहंदी खरीदने का। बेटी मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं दे रही हूँ, ये मेहंदी सबसे हटकर है, मेरी बातों पर विश्वास कर देखो, मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा। ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो दे दो,
और ये लो आप ये कुछ पैसे रख लो। जीती रहो बेटा, देखना तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सुहानी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मेहंदी खरीद ली। शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सुहानी को मेहंदी लगाई जाती है, परंतु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन सुहानी की शादी थी। सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची। ये देखकर सुहानी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और सुहानी को चुप कराती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ देखो, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं रची। अब पता नहीं क्या होगा, शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। बस मेरी बच्ची चुप हो जा। मैं सोच रही थी कि जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई है, एक बार तुम वो लगा कर देखो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अम्मा खास तुम्हें मेहंदी देने ही आई थी। अरे माँ, मैंने तो बस उनसे इसलिए मेहंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए, पर आप कह रही हैं तो एक बार उनकी मेहंदी भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, शाम को मेरी बारात आ जाएगी, अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं दुल्हन के रूप में वहाँ कैसे जाऊँगी? मेहंदी तो दुल्हन की शोभा होती है। सुहानी बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो मेहंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है, जिसे देखकर सुहानी और उसकी माँ चौंक जाती हैं। अरे माँ देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं भी यही देख रही हूँ, सब ऊपर वाले की कृपा है। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को निहार रही थी, तभी वहाँ हरियाली परी प्रकट होती है और कहती है, सुहानी। अरे परी जी, आप यहाँ? हाँ सुहानी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी। मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा परखना चाहती थी। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा से ये सोचकर मेहंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी, और ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है, ये जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना, और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुहानी अब बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मेहंदी से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा मांगती है, और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर तो सुहानी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच जादुई है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच में जादुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली परी। सुहानी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ ऋतु भी बहुत खुश होती है। शाम को सुहानी की बारात आ जाती है। सुहानी अपने जादुई मेहंदी से मांगे हुए लहंगे को पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी रचा देख उसके साथ की सहेलियाँ सुहानी से जलने लगती है, परंतु सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी को देखकर उसके ससुराल वाले सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं, और इस तरह सुहानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुहानी खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। अपने ससुराल में सुहानी को जिस भी चीज की कमी होती थी तो वो जादुई मेहंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी। चांद पर मायावी बर्थडे केक का घर। सोनिया पुणे नाम के शहर में रहा करती थी। सोनिया के माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी, और उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, जिस कारण वो अकेली ही रहा करती थी और खुद ही खुद का ध्यान रखती थी। अपना खर्चा उठाने के लिए सोनिया
एक बेकरी में काम किया करती थी। सोनिया को केक बनाना बहुत पसंद था, इसलिए शायद उसका काम भी इतना अच्छा था कि उसकी मालकिन हर रोज उसकी तारीफ करती थी। क्या बात है सोनिया, तुमने इस बार्बी डॉल केक की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर की है। यह हमारे कस्टमर के बेटी को जरूर पसंद आएगी। सच में तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। तुम्हारे सिवा ऐसे कोई भी केक आर्टिस्ट नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तुम सच में इतनी तारीफ डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच रूपाली दीदी, मुझे केक बनाना पसंद है और मैं मन से ये काम करती हूँ, इसीलिए अच्छा हो जाता है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती। मुझे तो बस केक देखने के बाद जो कस्टमर के चेहरे पर खुशी आती है वही चाहिए होती है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इसलिए तो मैंने कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी इस बेकरी में ले ही नहीं सकता है। इसी तरह रूपाली हमेशा सोनिया की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनिया रूपाली के पास जाती है और कहती है, रूपाली दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सोनिया। दीदी कल मेरा बर्थडे है और मैं कल का दिन खुद के साथ बिताना चाहती हूँ और अपने माता पिता के साथ बीते लम्हों को याद करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ सोनिया क्यों नहीं, कल तुम छुट्टी ले लेना और आराम से अपना बर्थडे मनाना। इसके बाद अगले दिन जैसे ही सोनिया अपने घर से निकलने लगती है तभी उसे रूपाली का कॉल आ जाता है। सोनिया जल्दी से बेकरी आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम निकल आया है। इससे पहले कि सोनिया कुछ और बोलती रूपाली फोन काट देती है। मैंने तो दीदी को बताया था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, फिर उन्होंने ऐसे अर्जेंट कॉल क्यों किया? लगता है वो भूल गई होंगी। कोई नहीं, मैं बेकरी जाकर उन्हें याद दिला देती हूँ। इसके बाद जैसे ही सोनिया बेकरी पहुँचती है रूपाली उसे एक सरप्राइज देती है। रूपाली ने पूरी बेकरी को बहुत सुंदर गुब्बारों से सजा रखा होता है और वहाँ पर सोनिया के लिए एक बहुत ही प्यारा केक भी रखा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा तो इसलिए आपने मुझे वो कॉल किया था? हाँ मुझे पता था, अगर मैंने तुझे ऐसे बर्थडे मनाने के लिए बुलाया तो तू कभी नहीं आएगी। अच्छा ले ये केक ले और तुझे जहाँ जाना है जा। मैं जानती हूँ तू अपना बर्थडे अपने माता पिता की यादों के साथ मनाना चाहती है, इसलिए मैं तुझे यहाँ रुकने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। पर हाँ अपने साथ मेरे हाथों से बनाया हुआ मेरा ये केक ले जा, मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इन सभी चीजों के लिए और खासकर मुझे समझने के लिए। इसके बाद सोनिया रूपाली का दिया हुआ बर्थडे केक लेकर नदी किनारे एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंच जाती है जहां वो अक्सर जाया करती थी, और वहां जाकर केक काटने से पहले अपने माता पिता की यादों को अपनी आंखों के सामने लाने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है, कोई मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है तभी मदद के लिए चिल्ला रहा है। सोनिया आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। सोनिया जल्दी से जाकर उस परी की रस्सियां खोलती है। आप कौन हैं और आपको यहाँ ऐसे किसने बांधा? मैं अलका परी हूँ, एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे यहाँ बांध दिया था। पर आप तो परी हैं, आपके पास तो जादुई छड़ी होगी, आपने खुद को आजाद क्यों नहीं कराया? यही तो मेरी परेशानी का जड़ है। उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी चांद पर बने एक मायावी केक के घर के अंदर छुपा रखी है। तो आप वहाँ से जाकर अपनी छड़ी ले आइए, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं अपनी छड़ी के बिना पृथ्वी लोक के बाहर नहीं जा सकती, परंतु शायद तुम इसमें मेरी सहायता कर सकती हो। मैं भला इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देखो मैं यहाँ जादुई सीढ़ियाँ प्रकट कर दूंगी, तुम उसकी मदद से चांद तक पहुँच जाना और वहाँ पर बने उस मायावी केक के घर में से मेरी जादुई छड़ी ले आना। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे, वो मायावी केक का घर इतनी आसानी से तुम्हें मेरी छड़ी ले जाने नहीं देगा, तुम्हें उसके कई मायावी सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस मायावी केक के घर के अंदर जा पाओगी। ठीक है,
अगर मेरा ऐसा करने से किसी की परेशानी दूर हो सकती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलका परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है जो चांद तक जा रही होती है। सोनिया उन सीढ़ियों पर चलकर चांद तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो चांद पर पहुँचती है उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर केक का घर दिखाई देता है। अलका परी तो कह रही थी ये केक का घर मायावी है, परंतु ये केक का घर दिखने में तो कितना सुंदर है, इतने सुंदर तो असली केक भी नहीं होते। तभी उस मायावी केक के घर से आवाज आती है। ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपना इरादा स्पष्ट करो। माफ करिएगा अगर मैंने आपको परेशान करा तो, पर मुझे आपके घर के अंदर जाना है, आप द्वार खोल दीजिए। मेरे द्वार ऐसे किसी के लिए नहीं खुल जाते, तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे मायावी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? न काशी न काबा धाम, जिसके बिना हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है वो, तुम बतलाओ उसका नाम। इसका जवाब पेट्रोल है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न, एक पैर है और बाकी धोती, सावन में वो अक्सर रोती। एक पैर और बाकी धोती है और वो सावन में रोती है, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर एकदम से कहती है, ऐसी तो केवल एक ही चीज हो सकती है और वो है छतरी। बिल्कुल सही उत्तर। ये रहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न, बीच कटे तो कम हो जाता, अंत कटे तो कल बन जाता, लेखक के मैं आता काम, बताओ क्या है मेरा नाम? लेखक के काम आने वाली चीज तो एक ही हो सकती है, हाँ इसका जवाब है कलम। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न है, हरा है आटा जिसका लाल है पराठा, मिलजुल कर सारी सखियां ने आपस में बांटा। हरा आटा लाल पराठा, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया काफी देर तक सोचने लगती है, जिसके बाद केक का घर कहता है, अगर तुम जवाब देने में असमर्थ हो तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से परी की छड़ी नहीं ले जा पाऊंगी। इसके बाद सोनिया इधर उधर दिमाग लगाने लगती है और फिर तभी वो तेजी से कहती है, इसका उत्तर मेहंदी है, क्योंकि मेहंदी हरी होती है और लगने के बाद लाल हो जाती है और सभी सखियां इसे आपस में एक दूसरे को लगाती हैं, तो इसका जवाब मेहंदी ही है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ ना? अभी 5 प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं, आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है, अगर तुमने 5वें सवाल का उत्तर दे दिया तभी तुम अंदर जा पाओगी। और ये रहा तुम्हारा आखिरी प्रश्न, लोहा खींच ले ऐसी ताकत है इसमें, पर सिर्फ रबड़ से हार जाता है, खोई सुई को भी पा लेता है और निराले खेल दिखाता है। इसका उत्तर मुझे अच्छे से पता है, ये चुंबक है जो सिर्फ रबड़ के आगे ही कमजोर पड़ जाता है और निराले खेल भी दिखाता है। बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। सच में तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो, बहुत कम ही लोग मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो और मेरे घर के अंदर हर तरह के धन दौलत हैं, तुम जो चाहे ले सकती हो। इसके बाद उस मायावी केक के घर के द्वार खुल जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। सोनिया जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या बात है, ये घर अंदर से भी देखने में कितना सुंदर है और यहाँ तो हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद है। तभी सोनिया का ध्यान टेबल पर रखी अलका परी की जादुई छड़ी पर जाता है। मुझे इन सब चीजों से भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद सोनिया अलका परी की छड़ी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मायावी केक का घर कहता है, सोनिया तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और हीरे जवाहरात देना चाहता हूँ, कृपया करके इसके लिए मना मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। सोनिया उस मायावी केक के घर का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी धन दौलत लेकर परी की बनाई हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और अलका परी को सारी कहानी बताती है। सच में सोनिया, उस मायावी केक के घर ने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो,
तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे ये छड़ी वापस कभी नहीं मिल पाती, पर तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अलका परी, मेरी माँ कहती थी, अगर मन में दृढ़ विश्वास और दिमाग में साहस भरा हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। सच में तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कहती थी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा, पर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। ऐसा कहकर अलका परी वापस परीलोक चली जाती है। मैं इतनी सारी धन दौलत का करूंगी क्या? हाँ, मैं एक बेकरी खोल सकती हूँ, परंतु अगर मैंने बेकरी खोल ली तो मुझे रूपाली दीदी से अलग काम करना पड़ेगा। मेरे माता पिता के बाद उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है, मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। तभी सोनिया को सड़क पर भीख मांगता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, चाहे थोड़ी बहुत मुसीबतों के साथ ही सही, पर मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। इन पैसों को मुझे उन लोगों को दे देना चाहिए जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। इसके बाद सोनिया उन सभी धन दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देती है और वापस से रूपाली की उस छोटी सी बेकरी में हंसी खुशी काम करने लग जाती है। आसमान में एक सैंडल और दो फ्रॉक का घर। माहिका अपनी माँ और मौसी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले लंबी बीमारी के बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। माँ के जाने के बाद घर का गुजारा माहिका की मौसी शीतल फूल बेचने का काम करके करती थी। शीतल को फूल बेचने के काम से बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वो लोग किराए के घर पर रहते थे, इसलिए शीतल की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा किराए के घर में चला जाता था। लेकिन फिर भी शीतल माहिका को स्कूल भेजती थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे कर लेती थी। एक दिन की बात है, माहिका की टीचर क्लासरूम में कहती है, 2 हफ्ते पहले तुम लोगों के जो टेस्ट हुए थे, मैंने सारे टेस्ट पेपर चेक कर लिए हैं। सबसे ज्यादा माहिका के नंबर हैं। लगता है हमेशा की तरह इस बार भी माहिका ही टॉप करेगी। अब सारे बच्चे माहिका के लिए तालियां बजाओ। क्लास के सारे बच्चे माहिका के लिए ताली बजाते हैं और वो बहुत खुश होती है। घर आकर माहिका शीतल से कहती है, मौसी ये देखो मेरे टेस्ट पेपर, मेरे सबसे ज्यादा नंबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। मौसी इसी बात पर मेरे लिए खीर बना दो, मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो स्कूल की ड्रेस चेंज कर ले और हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खीर बना देती हूँ। माहिका अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माहिका खीर खाने आती है। वाह मौसी, आपने तो बहुत टेस्टी खीर बनाई है, आप मेरी पसंद का कितना ध्यान रखती हो, सच में आप बहुत अच्छी हो। दोनों बातें कर करके खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद माहिका बाहर खेलने चली जाती है। जब माहिका खेल कर घर लौट रही थी, तभी उसकी मकान मालकिन उसे रोकती है और बोलती है, ओए लड़की सुन। आंटी नमस्ते। ये नमस्ते छोड़ और बता तेरी मौसी मेरा किराया कब देगी, 5 महीने का किराया जमा हो गया है। आंटी मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अभी मौसी को बता दूंगी। इतना बोलकर माहिका घर आ जाती है। घर आकर वो शीतल से बोलती है, मौसी आपने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया है। तुझे कैसे पता कि मैंने किराया नहीं दिया अभी तक। मुझे घर आते हुए आंटी मिली, उन्होंने ही बोला कि आपने 5 महीने से किराया नहीं दिया है, बहुत गुस्से में थी वो। ये सुनकर शीतल अपने मन में सोचती है, ये क्या बात हुई, बच्चे को बोलने की क्या जरूरत थी, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, एक बार में दे दूंगी, हद होती है। इतना सोचकर शीतल माहिका से कहती है, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, अगर आज के बाद आंटी ने तुझे ये सब बोला तो बोल दियो कि सीधा मेरे से आकर बात करें, या मैं खुद उनसे जाकर बात कर लूंगी। ठीक है, वैसे मौसी 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, उसके लिए क्या सोचा है आपने। मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक और सैंडल लेकर आऊंगी। सच में मौसी, वाओ, मुझे तो अभी से ही बहुत खुशी हो रही है। वैसे इसके लिए आपके पास पैसे है ना। हाँ हाँ, उसकी फिक्र तू मत कर, मैं बहुत महीने से तेरे जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ रही थी। इस तरह शीतल सारे जरूरी काम छोड़कर माहिका की खुशियों का ध्यान रखती थी। अगले दिन शीतल की मकान मालकिन उनके घर आ जाती है। शीतल, ओ शीतल,
आवाज सुनकर शीतल बाहर आती है। आइए दीदी बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये बता मेरा किराया देने में और कितना टाइम लगाएगी। दीदी कल माहिका का जन्मदिन है, उसके बाद मैं आपके किराए के सारे पैसे धीरे धीरे आपको जोड़ कर दे दूंगी। तेरे लिए मेरे किराए से ज्यादा जरूरी माहिका का जन्मदिन है? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, बस उसकी माँ नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। ये सब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आज अपना किराया लेने आई हूँ, या तो मुझे मेरा किराया दे या तो इस घर से बाहर निकल। नहीं दीदी ऐसे मत बोलो, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इतने सालों से हम यहीं रहते हैं, थोड़ा तो हम पर तरस खाइए, अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। पैसों के मामले में मैं किसी पर कोई तरस नहीं खाती। दीदी आप 2 महीने और रुक जाइए, मैं 2 काम करूंगी और जल्दी से आपके सारे पैसे चुका दूंगी। 5 महीने रुक गई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुकने वाली, मैं कल आ रही हूँ, अगर तूने कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। इतना बोलकर मालकिन चली जाती है। उसके जाने के बाद शीतल की आंखें भर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? एक दिन में पैसे कहां से लाऊं? पड़ोस वाली मीना के घर जाकर देखती हूं, उससे उधार ले लेती हूं। शीतल मीना के घर जाती है। मीना मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, मैं तुझे जल्दी ही लौटा दूंगी। तेरे ऊपर पहले से ही इतना कर्जा है और अब मेरे से भी लेने आ गई है? नहीं मैं नहीं दूंगी तुझे उधार, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तू पैसे वापस नहीं कर पाएगी। मीना शीतल को पैसे देने से मना कर देती है। शीतल 3-4 लोगों के पास जाती है लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अगले दिन सुबह सुबह मालकिन आ जाती है और शीतल से पैसे मांगने लगती है। शीतल और माहिका मालकिन के सामने बहुत रोते हैं लेकिन मालकिन उनकी एक नहीं सुनती। देखो मेरे सामने रोने का कोई फायदा नहीं है, अपने अपने कपड़े उठाओ और इस घर से निकलो। शीतल थोड़ा बहुत सामान लेकर माहिका के साथ घर से बाहर निकल जाती है। चलो मौसी जंगल चलते हैं, यहाँ हमें सारे लोग देखकर हंस रहे हैं, जंगल में कोई हमारा मजाक बनाने वाला नहीं होगा। दोनों जंगल चले जाते हैं और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी शीतल सैंडल और फ्रॉक बाहर निकालती है। माहिका आज तेरा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन वाले दिन अचानक हम बेघर हो गए हैं, ये वही फ्रॉक और सैंडल है जो मैंने तेरे लिए खरीदा था। माहिका रोने लगती है और शीतल के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब लड़की अपनी दादी के साथ आती है। सुनो हमारी मदद करो, मैंने बहुत दिनों से यही कपड़े पहन रखे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े है? अगर है तो मुझे दे दो, और हाँ हमें भूख भी लग रही है। माहिका शीतल के कान में बोलती है, मौसी इस लड़की के पैर में तो चप्पल भी नहीं है, इसलिए आप ये वाली फ्रॉक और सैंडल इसे दे दो। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, जिससे मैं आज तेरे लिए केक लाने वाली थी। इन्हें भूख लग रही है इसलिए मैं इन्हें खाने के लिए पैसे भी दे देती हूँ। उसके बाद शीतल थोड़े पैसे और माहिका की फ्रॉक सैंडल उन दोनों को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। उसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है लेकिन माहिका को नींद नहीं आ रही थी, वो सारी बातें सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तभी माहिका को एक कोने से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। माहिका उस तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत लंबी सीढ़ी थी जो सीधा आसमान में जा रही थी। कितनी बड़ी सीढ़ी है ये, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए मैं इस सीढ़ी पर चढ़कर देखती हूँ, देखो जरा कहाँ जाकर खत्म होती है। उसके बाद माहिका सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। कुछ घंटों बाद माहिका आसमान में चली जाती है और वहाँ उसे 2 फ्रॉक और 1 सैंडल का घर नजर आता है। ये देखकर माहिका हैरान रह जाती है। सुनो लड़की मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे जेवर मिलेंगे, ये इतने सारे हैं कि उनसे तुम एक जेवर की दुकान भी खोल सकती हो। नहीं तुम मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति मिलेगी,
अदृश्य होकर तुम जो चाहो कर सकती हो। दोनों घर के बोलने के बाद पहली वाली फ्रॉक की घर बोलती है, सुनो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे घर के अंदर एक छोटी सी अनाथ बच्ची है, तुम उसे अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर चली जाओ, यहाँ मैं उसका ज्यादा दिनों तक ध्यान नहीं रख सकती हूँ। सबकी बात सुनने के बाद माहिका बोलती है, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मैं पहले वाले फ्रॉक के घर के अंदर जाकर उस बच्ची को लेना चाहती हूँ। उस बच्ची को एक परिवार की जरूरत है, मैं अपनी मौसी के साथ काम करना शुरू कर दूंगी और उसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर माहिका घर के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं। आपने तो कहा था यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, लेकिन यहाँ तो सोने के सिक्के रखे हुए हैं। हाँ, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम खुद इतनी गरीब हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हुई, इसलिए तुम ये सारे सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर माहिका बहुत खुश होती है और सोने के सिक्के लेकर वापस आने लगती है। वापस आते आते सुबह हो जाती है। कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गई थी। माहिका शीतल को सारी बातें बताती है। शीतल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। उसी दिन दोनों सोने के सिक्के लेकर उन्हें बेचने जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनकी मकान मालकिन देख लेती है। दोनों को सोनार की दुकान के अंदर घुसते हुए देख लेती है और अपने मन में सोचती है, इन दोनों को मुझे मेरा किराया नहीं दिया जा रहा था और आज सोनार की दुकान के अंदर जा रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सोने के सिक्के बेचकर मिले हुए पैसों के साथ बाहर आती हैं। बहुत पैसे आ गए हैं तेरे पास। दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो दोनों? चुपचाप से ये सारे पैसे मुझे दे दो। क्यों दे दे हम आपको सारे पैसे? तूने इतने महीनों का किराया नहीं दिया था मुझे। ठीक है, उतने पैसे दे दूंगी जितना आपका किराया था। मालकिन बहुत ही लालची थी और वो शीतल से सारे पैसे लेना चाहती थी, इसलिए वो छीना छपटी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कहीं से सांप आ जाता है और मालकिन को काट लेता है। मालकिन बेहोश हो जाती है, लेकिन शीतल और माहिका उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो जब होश में आती है तो कहती है, मैं तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो, तुम दोनों की वजह से आज मेरी जान बची है, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। इस तरह वो औरत पूरी तरह से सुधर जाती है। उसके बाद शीतल माहिका के साथ वहाँ से आ जाती है और उसी वक्त रहने के लिए एक घर खरीदती है। बाकी बचे हुए पैसों से वो अपने किराने की दुकान खोलती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।